अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो उसके लिए घंटी को दबाइए। तो दोस्तों, इस बार की वीडियो है अमेजिंग फैक्ट्स ऑन माल्टीज इन हिंदी। माल्टीज जो डॉग हैं उन्हें टॉय ब्रीड में रखा गया है क्योंकि इनका जो वेट है वो 7 पाउंड से भी कम है, बट इनके जो शरीर पे लॉन्ग कोट होता है, एक सिल्की लॉन्ग कोट हेयर का होता है, जो मालिक पे डिपेंड करता है कि वो बड़े बाल रखना चाहते हैं इन डॉग के या नहीं। जो इसकी बॉडी है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट बॉडी है, तभी ये बहुत अच्छे से मनूवर कर सकता है, मनूवर मतलब ट्रिक्स दिखा सकता है, तभी डॉग शोज़ में इनकी जो ट्रिक्स दिखाने की लेवल है बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा ट्रिक्स सीख जाते हैं। अब जो ओवरऑल पिक्चर है ये बहुत ही फ्री फ्लोइंग होते हैं, बहुत एलिगेंस के साथ ये चलते हैं, तभी इन्हें खूबसूरती के भी मार्क्स पूरे मिलते हैं। अब इसके पर्सनालिटी के बारे में आ जाए तो ये बहुत जेंटल है, प्लेफुल है, अफेक्शनेट है, फियरलेसली एक चार्मिंग टॉय ब्रीड है। बता दिया, टॉय ब्रीड वही होती है जो बहुत छोटी होती है, जिसका हाइट थोड़ी छोटी होती है, और इन्हें लैप डॉग भी बोला जाता है। एनर्जी लेवल समवट एक्टिव है और एक क्लासिक उदाहरण है, एग्जाम्पल है लैप डॉग का। माल्टीज को बहुत अच्छी लगती है ब्रिस्क वॉक, जो छोटी वॉक होती हैं, बहुत प्लेफुल हैं और ट्रिक्स बड़ी आसानी से सीख जाता है। जैसे मैंने पहले बताया अभी कि डॉग शोज़ में इनका जो तमका है वो ज़्यादा चमकता है क्योंकि ये ट्रिक्स बहुत अच्छे से याद करते हैं और बहुत अच्छे से इनकी छोटी बॉडी के कारण अच्छे से ट्रिक्स दिखा सकते हैं। एनर्जी लेवल की तो बात हो गई, अब बात करते हैं बच्चों के साथ इनका बिहेवियर अच्छा है, बट थोड़े बड़े बच्चों के साथ इनका बिहेवियर अच्छा है तो थोड़ी सुपरविजन की ज़रूरत रहेगी छोटे बच्चों के साथ। दूसरे डॉग्स के साथ बिहेवियर ठीक है बट सुपरविजन की उधर भी ज़रूरत है। शेडिंग इनकी इनफ्रीक्वेंट होती है, ग्रूमिंग वीकली है, डिपेंड करता है मालिक पे कि इनके बड़े बाल रखना चाहते हैं या छोटे, प्रॉपरली डिपेंड करता है मालिक पे। अब हाइट मेल फीमेल की दोनों की 8 से 10 इंचेस की है, वेट दोनों मेल फीमेल का 6 से 8 पाउंड का है। जैसे बताया कि बहुत छोटी लैप डॉग ब्रीड है तो कम ही रहता है इनका वेट और हाइट। ट्रेनिंग को रिस्पॉन्ड बहुत अच्छे से करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12 से 15 साल की उम्र तक ये जीते हैं, तो ये बहुत सही माना गया डॉग ब्रीड में, एवरेज है लेकिन सही माना गया डॉग ब्रीड में। बार्किंग लेवल उतना ही भौंकते हैं जितनी ज़रूरत होती है। तो अब इनकी रैंकिंग पे आ जाते हैं, तो एज़ पर अमेरिकन कैनल क्लब ये 33 रैंक पे होते हैं। ये रैंक पॉपुलैरिटी बेस्ड है ऑल ओवर वर्ल्ड। अब बात करते हैं ये हिस्ट्री में कब से जाने जाने लगे, 1888 से इनकी हिस्ट्री रिकॉर्ड हो रही है। तो दोस्तों, पर्सनालिटी तो बता दी, चार्मिंग, जेंटल और प्लेफुल हैं, और यही है इनकी जो नेशनल ब्रीड है, ये अमेरिकन माल्टीज एसोसिएशन से ताल्लुकात रखते हैं। और यहाँ तक तो देख लिया, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लाइक का बटन दबाइए, शेयर का बटन दबाइए, और यहाँ तक देख ही लिया तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।